बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकै नुतफ़ा को मट्टी में गूँधने का बयान अबू नाइम ने हज़रत अबू हुरेरा रज़ील से रिवायत की है कि नबी करीम सल सल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर पैदा होने वाले पर उसी के मकाम पैदाइश की मट्टी उस पर डाली जाती है हकीम तिरमजी ने नवादर असूल में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी लन से रिवायत की है फरमाते हैं कि रहम पर मुकर फ़रिश्ता नुतफा को रहम से लेकर अपने हाथ पर रख देता है और अल्लाह ताला से पूछता है कि अ रब करीम उसे पैदा होना है या कि नहीं इर्शाद बारी ताला होता है कि उसे पैदा होना है फिर फरिश्ता अर्ज करता है उसका रिज्क क्या है और उसने किस ज़मीन पर जाना है उसकी मौत कहाँ वाक़ होगी उसका अमल क्या है तो अल्लाह ताला फरमाता है उमुल किताब में देखो तो फरिश्ता लोहे महफूज में मुलाहजा करता है तो वहाँ पर उसका रिस्क उसकी जाए मौत उसकी ज़िंदगी और अमल देखता है और जिस ज़मीन में उसने दफन होना है वहाँ की मट्टी से ले लेता है और नुतफा को उस मट्टी में घूमता है और उसी के बारे में फरमाने बारी ताला है मन हा खला गुम वफ़ी हा उससे हमने तुम्हें पैदा किया है और उसी में हम तुम्हें लौटा देंगे अल हकीम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाव से रिवायत की है फरमाते हैं जब नुफ़ा रहम मदर में करार पाता है तो फरिश्ता उसे अपने हाथ में ले लेता है और अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज करता है अ रब करीम इसमें जान पड़नी है या नहीं अल्लाह ताला फरमा फरमाते हैं कि इसमें जान नहीं पड़नी तो उसमें रूह नहीं पड़ती और रहम मादर उसे खून की सूरत में बाहिर डाल देता है और अगर उसमें जान पड़नी होती है तो फरिश्ता पूछता है अ रब करीम मर्द है या औरत खुश नसीब है या बद नसीब? ज़िंदगी कितनी है आमाल क्या है और रिस्क कितना है और इसने कौन सी ज़मीन पर मरना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है उम्मुल किताब में देखो और उस नुतफ़ा का वहाँ पर यह सब कुछ लिखा होता है और वहाँ जाकर फरिश्ता नुतफ़ा से कहता है तेरा रब कौन है तो नुफा जवाब देता है अल्लाह उससे पूछा जाता है तेरा राजिक कौन है वो कहता है अल्लाह फिर वो पैदा होता है और अपने घर वालों में ज़िंदगी गुजारता है और अपना रिस्क खाता है और अपनी ज़मीन पर चलता फिरता है और फिर अपने वक्त पर मर जाता है और फिर उसी जगह दफन होता है जहां से उसकी मट्टी उठाई गई थी दुनिवी ने अलमजाले साहब में हिलाल बिन यसाफ़ से रिवायत की है फरमाते हैं कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी नाफ में उस ज़मीन की मट्टी मौजूद होती है जहां उसने फौत होना होता है इमाम तिरमजी ने हजरत मंजर बिन आकाश से रिवायत की है कि नबी करीम सलील वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब अल्लाह पाक किसी बंदे का किसी ज़मीन में मरने का फैसला फरमाता है तो वहां उसकी कोई ज़रूरत पैदा कर देता है उम्मे हाकम ने और बहीकी ने ईमान में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसरूद रजी अल्लाव से रिवायत की है कि नबी करीम इरशाद फरमाया जब तुम में से किसी की मौत किसी जगह होना होती है वहाँ के लिए उसको कोई ज़रूरत पेश आ जाती है और वो वहाँ पर जा पहुँचता है और वहीं पर उसकी मौत वाक़ हो जाती है और फिर क़्यामत के रोज़ कबर अल्लाह ताला से अर्ज करेगी कि या रब करीम ये तेरी अमानत है जो तूने मेरे सुपर्द की थी इबन दुनिया ने हज़रत बकर बिन अब्दुल्ला से रिवायत की है फरमाया जब मौत को मोमिन की रूह कब्ज़ करने का हुक्म होता है तो जन्नत से एक फूल लाया जाता है और फरिश्ते से कहा जाता है रूह को कब्ज़ करके इस फूल में ले जाओ और जब काफिर की रूह को कब्ज़ करने का हुक्म होता है तो दोजक से एक बोरी लाई जाती है और हुक्म होता है कि उसकी रूह कब्ज़ करके इसमें ले जाओ अब्दुल्ला बिन इमाम अहमद ने जवादुल जुहद में और इबन अबी दुनिया ने अबू इमरान अल जोनी ने रिवायत की है फरमाते हैं कि जब मोमिन की वफात करीब होती है तो जन्नत से फूलों के गुलदस्ते लाए जाते हैं और उसमें मोमिन की रूह रख कर ऊपर ले जाई जाती है दुनिया ने हजरत मुजाहिद से रिवायत की है फरमाते हैं कि मोमिन की रूह जन्नत की रेशमी कपड़ों में लपेट कर ऊपर ले जाते हैं इबन जरीर और इबन अबी हातिम ने आलिया ने रिवायत की है फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का कोई मुकर्र बंदा दुनिया से जुदा नहीं होता यहाँ तक कि जन्नत से उसके लिए शाखें लाई जाती हैं और उन्हें सूंघता है और उसकी रूह जिसम से परवाज कर जाती है हज़रत सलमान रजीलों से रिवायत है कि नबी करीम वसल्लम ने इरशाद फरमाया मौत के वक्त मोमिन को सबसे पहले कब्र में राहत फूलों और जन्नत की नेमतों की खुशखबरी मिलती है उसे कहा जाता है कि अल्लाह तजा और जन्नत की खुशखबरी ले लो तुम अच्छी तरह से अच्छी जगह आ गए हो और जिन लोगों ने कबर तक तुम्हारे जनाजे में शिरकत की है अल्लाह ने उन्हें भी बख्श दिया है और जो तुम्हारे जनाजे में शरीक हुआ है वो सच्चा मुसलमान है और जिसने तेरे लिए अस्तगार किया उसकी दुआ कबूल हो गई है